हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ वेल लॉगिंग एंड इन दिस सीरीज आई हैव डिस्कस सम बेसिक थिंग्स अबाउट वेल लॉगिंग. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, गो टू द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो. सो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो वॉट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा कंसर्निंग द सब सरफेस रॉक्स. जो हमें डेटा मिल रहा है उसके सोर्स क्या हैं और उस सोर्स से हम क्या डेटा निकाल रहे हैं उसकी डिस्कशन हम लोग करते हैं. जैसे ड्रिलिंग से, जिसे मड लॉगिंग भी कहते हैं, उससे हम क्या निकालेंगे. रेट ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रिल बिट, एनालिसिस ऑफ ड्रिल कटिंग्स, एनालिसिस ऑफ ड्रिलिंग मड, शोज ऑफ गैस ऑयल एंड वाटर, गेंस एंड लॉसिस ऑफ ड्रिलिंग मड. हमारा ड्रिलिंग मड कितना लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है, अगर इन्वेजन हो रहा है. इन्वेजन क्या चीज़ है वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. इन्वेजन से ड्रिलिंग फ्लूड लॉस होता है, तो वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम लोग ड्रिलिंग या मड लॉगिंग से समझते हैं. बाकी आगे इन चीज़ों की और डिस्कशन होगी. एंड वायरलाइन लॉक्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. मैकेनिकल लॉक्स, द कैलिपर लॉक्स और द मैकेनिकल लॉक्स, इलेक्ट्रिकल लॉक्स, एग्जाम्पल लेट्रो लॉक्स, इंडक्शन लॉक्स, एसपी लॉक्स, दिस ऑल कम इन वन कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉक्स. एंड देर इज़ अ नेचुरल रेडिएशन लॉक, वेयर इज द सोर्स इज नेचुरल, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एंड स्पेक्ट्रल गामा रे लॉक्स. देर आर एकॉस्टिक लॉक्स लाइक सोनिक लॉक्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉक्स, आर्टिफिशियल रेडिएशन लॉक्स, डेंसिटी एंड न्यूट्रॉन लॉक्स. वी आर गिविंग रेडिएशन एंड वी आर मेजरिंग रेडिएशन, that is why these are called artificial. Imaging locks, deep meter, and there are some special locks like nuclear magnetic resonance lock, NMR lock, one of the most important locks. We will discuss all those things in detail. And we have already discussed what we get from course, lithology, hydrocarbon shows, heterogeneity and fracturing, porosity, permeability, grain and pore size distribution. Okay. Now, there is a term called production law, and if I try to discuss things, I have to make a separate video for production law because it's a huge topic. And but now, अभी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में. production law में हम लोग करते क्या हैं. So a production logging tool is an instrument that is used in the preparation of production logs. These tools are run through wells that are complete and ready to operate. जो wells complete हैं, ready to operate हैं, उस पर हम production logs को operate करेंगे. और क्यों करते हैं ऐसा? To know, to analyze the well performance and also determine the contribution of each zone. कि उनके क्या production आ रहा है और fluid का movement क्या है. Basically, अगर ये हमें पता चलता है तो they will help us in locating the production of hydrocarbon on zone by zone basis. Any fault such as leaks, cross flow in oil or gas producing wells can be diagnosed by looking at the production logs. एक चीज़ यहाँ पे और एक important है जो मैं बताना चाहूँगा. अगर सीमेंट हम ये जानना चाहते हैं, जैसे केसिंग हमने किया, आफ्टर केसिंग इज सेट इन अ प्लेस, तो वायरलाइन सर्वेस या प्रोडक्शन लॉग्स जो हम कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलता है. इससे दे आर यूज टू इवेल्युएट द फ्लूड प्रोडक्शन एंड मूवमेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द केसिंग. लेट मी रिपीट, प्रोडक्शन लॉग्स आर यूज टू इवेल्युएट फ्लूड प्रोडक्शन एंड मूवमेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द केसिंग डाउन होल. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग टेम्परेचर लॉग आगे पढ़ेंगे, कैलिपर लॉग आगे पढ़ेंगे, तो टेम्परेचर लॉग का एक एक्सप्लेनेशन, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम सीमेंट हाइट बिहाइंड द केसिंग जानते हैं. कैसे जानते हैं, वी विल डिस्कस देयर. एंड कैलिपर लॉक का एक एप्लीकेशन, वी विल ट्राई टू नो द सीमेंट वॉल्यूम बिहाइंड द केसिंग. सो द प्रोडक्शन लॉग आर ऑल्सो यूजफुल टू इवेल्युएट द फ्लूड प्रोडक्शन एंड मूवमेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द केसिंग. यू शुड नो दिस. इफ समवन आस्क यू व्हाट वी डू इन प्रोडक्शन लॉगिंग, नाउ यू कैन टेल हिम. अदरवाइज ये ब्रॉड टॉपिक है. गेट एग्जामिनेशन या सी एस आई एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा,
बट इंटरव्यू पर्पस से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन लॉग में पूछा जा सकता है. सो देर आर सेपरेट थिंग्स विच वी डू, फॉर्मेशन टेस्टिंग, ड्रिल स्टीम टेस्ट, प्रोडक्शन ड्रेस, प्रेशर बिल्डअप एंड स्पिनर टेस्ट, ऑल दिस आर परफॉर्म्ड इन प्रोडक्शन लॉग. तो अब ये सब चीज़ें क्या हैं, इन पे एक सेपरेट वीडियो अगर बनानी हो, इफ़ यू वॉन्ट देन कॉमेंट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन प्रोडक्शन लॉग. ओके, सो वॉट इज द मेन जॉब ऑफ पेट्रोफिजिस्ट, अगर ये कोई पूछे वॉट यू विल टेल हिम. सो द मेन जॉब ऑफ पेट्रोफिजिस्ट इज टू एवेल्युएट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्लेस इन अ रिजर्वॉयर. एंड वॉट इज अ रिजर्वॉयर, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इट कैन बी आस्क. वॉट इज अ रिजर्वॉयर, अ रिजर्वॉयर इज अ रॉक विच इज पोरस एंड परमिएबल एंड फ्रॉम विच वॉटर और हाइड्रोकार्बन्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. ओके, अ रिजर्वायर रॉक इज अ पोरस एंड परमिएबल बॉडी फ्रॉम विच वाटर और हाइड्रोकार्बन कैन बी एक्सट्रैक्टेड. सो फॉर एनी गिवन वेल इंटरवल, रिजर्वायर रॉक कंटेन्स अ रिजिबली हाई कनेक्टेड पोरोसिटी. हाई कनेक्टेड मीन्स द पोरोसिटी इज गुड एंड ऑल्सो द परमिएबिलिटी इज गुड. इफ द पोर्स आर नॉट कनेक्टेड वेल, देन द परमिएबिलिटी विल बी permeability will not be good. So if the pores are well connected, we will say it has a good permeability. Permeability and porosity ki alag se ek abhi aage lecture aayega. So hydrocarbons are electrical insulator, you must know that, and while water conducts, gas has a much lower density than oil. We know these things. For hydrocarbon reservoir to exist, we need fouling to be available at the same location. अब अगर हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर को एग्जिस्ट है, वहाँ पे अगर है, तो व्हाट आर द कंडीशन कि हम ये कहेंगे कि दैट दिस रिजर्वॉयर, अगर हाइड्रोकार्बन रिजर्वॉयर चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए. देयर मस्ट बी अ सोर्स रॉक, इट कम्प्लीटली ऑब्वियस, देयर मस्ट बी अ सोर्स रॉक एंड दैट सोर्स रॉक कंटेनिंग द ओरिजिनल ऑर्गेनिक रिमेंस. इफ द सोर्स रॉक डजंट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, basically we will call it immature source rock because it has not matured. And now the pressure and temperature conditions suitable to convert the organic remains into oil and gas. So pressure and temperature condition ऐसी होनी चाहिए जिससे वो organic matter oil और gas में convert हो सके. और वो pressure और temperature condition कैंसिल बनेंगे due to the depth of burial. जो ऊपर के रॉक्स का फिर धीरे धीरे दबाव बनते जाएगा, तो फिर वो प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करेंगे. ए पोरस एंड परमिएबल रिजर्वॉयर वेयर द हाइड्रोकार्बन कैन एक्युमुलेट. नाउ देयर मस्ट आल्सो बी अ पोरस एंड परमिएबल रिजर्वायर रॉक वेयर हाइड्रोकार्बन कैन एक्युमुलेट. तो एक माइग्रेशन पाथवे होना चाहिए फ्रॉम सोर्स रॉक टू द रिजर्वायर रॉक, जिससे वो फिर सोर्स रॉक से और वो हाइड्रोकार्बन माइग्रेट होके रिजर्वायर रॉक में आ सके. सो अ माइग्रेशन पाथवे, जैसा कि मैंने कहा, माइग्रेशन पाथवे फ्रॉम द सोर्स रॉक टू द रिजर्वायर रॉक फॉर द हाइड्रोकार्बन्स एंड अ सुटेबल ट्रैप, बिकॉज इफ देयर इज अ माइग्रेशन पाथवे आ गया, माइग्रेशन पाथवे के थ्रू हाइड्रोकार्बन्स रिजर्वायर रॉक में आ गए, बट अगर एक ट्रैप नहीं होगा तो फिर वो कहीं और एस्केप कर जाएंगे. सो अ सुटेबल ट्रैप to keep the hydrocarbons in the reservoir rock until we wish to extract it. Okay, there must be a suitable trap to keep the hydrocarbons in the reservoir rock until we wish to exploit it or extract it. Okay, so the most formation that contain reservoir are the sedimentary rocks, where the deposition of organically rich material has been followed by clean sandstone. अब वो सैंडस्टोन मस्ट हैव ए हाई पोरोसिटी एंड वेन कलेक्ट पोर स्पेसेस. ओके, एंड दैट शुड बी सब्सिक्वेंटली कैप्ड बाय शेल्स. शेल इज अ वेरी लेस परमेबल रॉक, सो इट वर्क वेल एज अ ट्रैप और अ कैप रॉक विथ वेरी लो परमेबिलिटीज. ये जो जैसा कि हमने बताया कि ये टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस हमें कैसे मिलती है, हियर द ब्यूरियल ऑफ द इनिशियल डिपोजिशन प्रोवाइड्स द प्रेशर एंड टेम्परेचर to produce hydrocarbons. I have already told you the hydrocarbons are less dense than water, you should know that.
so migrate upwards into sandstone, replacing the water that originally occupied the reservoir sandstone, and where the hydrocarbons are constrained from rising further by a shale cap. Okay, this must be clear to you. And you also know that gas is less than oil. तो एक बनता है एक कॉलम वाइज, जस्ट लाइक कि देर इज अ गैस देन ऑयल देन वाटर. सो गैस इज लेस देन ऑयल एंड विच इज लेस देन वाटर. सो द फ्लूड सेपरेटेड इन हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर विद द गैस अकरिंग जस्ट बिलो द ट्रैपिंग लिथोलॉजी, ऑयल अ लिटिल डीपर एंड एट द बॉटम देर इज अ वाटर एंड दिस फ्लूड्स आर इमिसिबल. ये मिक्स नहीं होते हैं. तो एक हमें कॉन्टैक्ट मिलता है, गैस ऑयल कॉन्टैक्ट एंड ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट. एंड वॉट इज द फोर्स बिहाइंड दिस? देर इज ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द फोर्स दैट सेपरेट्स द फ्लूड इन टू दिस लेयर्स. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट इज अ रिजर्वायर रॉक, जिसके पास हैज अ गुड पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी एंड कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्टेबल हाइड्रोकार्बन्स और वाटर. So shales are generally considered non-reservoir rock. And what is the reason behind that? Shales के पास ऐसा नहीं है कि hydrocarbon content नहीं होता, but वो impermeable होते हैं या slightly permeable होते हैं. तो फिर उस hydrocarbon को extract करना is generally not possible. एक तरीके से अभी latest technology से ऐसा होता है कि fracturing से fracturing या तो natural fracturing available हो या फिर man-made fracturing से हम उस हाइड्रोकार्बन को भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इन जनरल शेल्स आर नॉन रिजर्वायर रॉक एंड ऑफन कंटेन हाइड्रोकार्बन्स विद सैचुरेशन बट टू लो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी फॉर हाइड्रोकार्बन टू बी एक्सट्रैक्टेड. सैंडस्टोन कुड बी रिजर्वायर रॉक विद हाई परमेबिलिटी एंड हाई पोरोसिटी. हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन आर सफिशेंटली हाई. अभी लॉग डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये भी एक बेसिक चीज है, बट जान लेते हैं. जो ट्रैक वन होता है लेफ्ट मोस्ट साइड पे, दिस इज ऑलवेज लीनियर, और उसमें या तो हम गामा रे लॉक को दिखाते हैं या अपने ड्रिल बिट साइज को या कैलिपर लॉक को दिखाते हैं. अब फिर लेफ्ट से जैसे जैसे राइट आएंगे तो फिर हमें देखने को मिलेगा जो ट्रैक टू है ट्रैक थ्री है वो या तो लीनियर होगा या तो लॉगरिथमिक लॉग होगा, लॉगरिथमिक स्केल पे होगा. तो लॉगरिथमिक स्केल क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे कुछ लॉग्स हैं, कुछ लॉग क्या बेसिकली इलेक्ट्रिकल लॉग या रेजिस्टिविटी लॉग कह लो, जिसमें बहुत हाई वेरिएशन है. इतना हाई वेरिएशन है इसलिए उसको लीनियर स्केल पे हम नहीं दिखा सकते. दैट इज़ व्हाई वी यूज लॉगरिथमिक स्केल. एंड ओके, लेट मी शो यू हाउ दिस फिगर लुक्स. सो यू कैन सी हियर, दिस इज ट्रैक वन एंड दिस इज लीनियर एंड there is a logarithmic track also. These are the typical API format. What is API? Give me your answer in comment. What is API? I will discuss these things, but tell me what is API. And you can see how this is logs are represented: track one, track two, track three. Okay. Now let's go. Now how the rock composition are determined. तो हमें वेल लॉग्स के विद द हेल्प ऑफ वेल लॉग्स वी ट्राई टू रिवील द मिनरलॉजी एंड प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड कंटेंट्स ऑफ द रॉक्स. ग्रेन्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सीमेंट एंड व्हाट इज द नेचर एंड प्रपोर्शन ऑफ पोरोसिटी सैचुरेशन ऑफ द इंटरस्टीशियल फ्लूड. सो इफ देर इज फ्लूड तो मतलब पोरोसिटी क्या है, और फ्लूड है तो फ्लूड का नेचर क्या है, वाटर है या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में गैस है या ऑयल है. ऑल दिस थिंग्स are answerable from well logs. Okay, so log analysis distinguishes only two categories of solid component in a rock, that is matrix and shale. Now you guys comment what is matrix in geology. It's a basic thing. I am asking what is matrix in geology. So what is the composition of shale? It's a mixture of clay and slate. It's a fine grade indurated sedimentary rock. एंड इन जनरली क्लीन फॉर्मेशन वी कॉल इट क्लीन सैंड स्टोन, जिसमें शेल की क्वान्टिटी बिल्कुल ना हो, तो वी कॉल इट क्लीन सैंड स्टोन और क्लीन फॉर्मेशन. इज वन कंटेनिंग नो अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ क्ले और शेल. एंड वॉट इज द कम्पोजिशन ऑफ शेल? इट्स अ 50% स्लिट, 35% क्ले और फाइन मिका एंड 15% केमिकल और एथोजेनिक मिनरल्स.
क्लेज का एक डिफरेंट लॉग रिस्पॉन्स होता है. क्लेज हैव अ हाई वाटर हाइड्रोजन कंटेंट विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन लॉग रिस्पॉन्स. बेसिकली क्लेज के पास एक बाउंड वाटर होता है, एंड वॉट इज बाउंड वाटर वी विल डिस्कस दैट, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाउंड वाटर, वी आर इंटरेस्टेड इन फ्री वाटर. सो दिस बाउंड वाटर हैज़ ऑल्सो इफेक्ट ऑन लॉग रिस्पॉन्सेज. वी विल सी दिस थिंग्स लेटर. एंड सो ट्राई टू रिमेंबर, दिस क्ले हैज़ अ बाउंड वाटर एंड इट हैज़ अ रिस्पॉन्स ऑन लॉग. सो लॉग रिस्पॉन्सेज टू क्ले डिपेंड्स वेरी मच ऑन इट्स कंपोजिशन, पोरोसिटी एंड हाइड्रोकार्बन कंटेंट. सो द अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स यूजली लीव्स स्पेसेस, पोर्स एंड चैनल्स विच आर फिल्ड विथ फ्लूड्स, वाटर, गैस, ऑयल, एयर, टार, etc. हाउ मच फ्लूड इज कंटेन इन अ रॉक डिपेंड्स ऑन द पोर स्पेसेस, और इन अदर टर्म्स वी कैन कॉल इट porosity. There will be a separate video on porosity and permeability. We will discuss there what are the types of porosity, the total porosity, all those things. With the exception of water, you know these things, the water is conductive, otherwise these pore fluids are poor electrical conductors, and water on the other hand conducts electricity by virtue of dissolved salts. Okay. So if I ask you which log is very important to know the percentage of hydrocarbon saturation, what will be your answer? Which log is very good for to know the percentage of hydrocarbon saturation? It is the resistivity log. If resistivity of formation is such an important log by which we can determine the percentage of water in the rock, provided the resistivity of the water itself. And if we know the porosity percent, hydrocarbon saturation can be determined. Okay, so I stop here in this video. In next video, I will discuss porosity and permeability, and we will look forward. Thank you. All the best.